नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनोसिन 50 सिरप के बारे में। ये दोस्तों बच्चों के ऊपर लेने वाली एंटीबायोटिक सिरप है। इस एंटीबायोटिक सिरप यदि आप अपने बच्चों को देते हैं तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, आपको बस वीडियो पे एकदम एंड तक बने रहना है। एंड दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेडिसिन विद स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, चले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इसके ऊपर उपयोग किए जाने इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो ऑफ्लोक्सोसिन 50 mg उपयोग किए गए हैं। दोस्तों 60 ml की इस जेनोसिन 50 सिरप के MRP के बारे में बात करें तो 70 rupees के अंदर आपको कोई भी मेडिकल शॉप में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। सन फार्मा लिमिटेड कंपनी द्वारा इस जेनोसिन 50 सिरप को मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर आप अपने बच्चों को इस जेनोसिन 50 सिरप को दे सकते हैं। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जैसे यूरिन इन्फेक्शन, फीवर, कान में इन्फेक्शन, कान में दर्द, लूज मोशन, लंग्स में इन्फेक्शन, इन कंडीशनों में इस जेनोसिन 50 सिरप को आप एंटीबायोटिक के रूप में अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर इसके डोसेज के बारे में बात करें तो बच्चों के एज और वजन के ऊपर निर्धारित करते हैं इसके डोसेज। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस जेनोसिन 50 सिरप को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। यदि इस जेनोसिन 50 सिरप को लेने से अपने बच्चों को कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकती है, इस ऑफ्लोक्सोसिन ओरल सॉल्यूशन सिरप को आप लेना बंद कर दें और अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी ऑफ्लोक्सोसिन ओरल सॉल्यूशन जेनोसिन 50 सिरप के बारे में। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट में और एक न्यू मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।